हम जय भीम के दीवाने हैं और जय भीम को मानता हूँ, लेकिन भीम आर्मी वालों से मेरा एक कहना है कि मेरे आंसुओं की मोती पर मेहरबान लिख देना, मेरे आंसुओं की मोती पर मेहरबान लिख देना, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे तन के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। बाबा साहब के कलम से मिली है जिंदगी, बाबा साहब के कलम से मिली है जिंदगी, कहीं अम्बेडकर लिख देना तो कहीं रविदास लिख देना। साथियों, बहुत कष्ट है हमें, आंखों से आंसू नहीं बल्कि मसीहा के दाहिने हाथ को टूटा हुआ देख करके खून निकल रहा है। हमारी भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी जब तक गुनाहगार पकड़ा नहीं गया, तब तक भीम आर्मी ईंट से ईंट बजा देगी। हमें दुनिया से क्या मतलब राजनीति वतन होगा, हमें दुनिया से क्या मतलब राजनीति वतन होगा। हमारी यही आरजू है कि मेरे मरने के बाद भीम आर्मी का झंडा मेरा कफन। लोगों के बगल में हमारे बगल में बैठे बड़े भाई जिला प्रवक्ता भी हैं और वरिष्ठ जो कि प्रवक्ता बड़े भाई विजेंद्र कुमार भारती जी और भीम आर्मी के आप रमेश चंद्रा जी हैं महासचिव और आप घोसी विधानसभा अध्यक्ष सर्वेश कुमार हंटर जी हैं और मेरे मधुबन विधानसभा के आप विधानसभा अध्यक्ष विनय कुमार जी, मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि अगर हमें हमारे समाज के लिए हमारे मसीहा के लिए अगर जेल जाना पड़े तो आज जेल भरो आंदोलन का हम ऐलान करते हैं। अगर इसी तरह हम लोग चुप बैठे तो आज तिनारी अकारीपुर में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई, जगह जगह मनुवाद व्यवस्था के लोगों ने, सामंतवाद व्यवस्था के लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा तोड़े गए, या दर्दनाक निर्ममता निर्दयता से जो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई है, इसे देख करके यह भीम आर्मी यूनिट कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी, आज जेल भरो का ऐलान करती है। आप लोगों के बीच में भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता विजेंद्र कुमार हिंद्र जी हैं और जो यहाँ परिस्थितियाँ इस समय हो गई है उसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे, समाज को संदेश देना चाहेंगे। आज जो है मऊ जनपद में अकारीपुर ग्राम सभा में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है, जिसे लेकर समाज में असंतोष व्याप्त है और यह सिर्फ अकारीपुर की बात मऊ जनपद की बात नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति जो है पूरे देश में आजाद तत्वों द्वारा तोड़ी जा रही है और हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं उन लोगों से कि बाबा साहब की मूर्ति एक सिर्फ मूर्ति है, इसमें जान नहीं है, लेकिन बाबा साहब से क्या एलर्जी है, क्यों कैसी कौन ऐसी जलन है कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं तुम लोग। अगर तुम्हारे अंदर औकात है तो सामने आकर के बाबा साहब को परिकमली उठाने का काम करो, तो हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर जो है अपनी माँ का दूध पिए हो गया, तुम्हारी माँ बाप का तुम्हारे सच्ची औलाद हो सकते हो। लेकिन यहाँ जो है बाबा साहब की मूर्ति तोड़ करके तुम लोगों ने जो है बहुत असामाजिक कार्य किए हो, अपने कायरता का परिचय देने का काम किए हो। अगर तुम्हारे अंदर इनके संविधान को मानने की चाहे इनके नीतियों को मानने की जरूरत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाकर के तुम अपील कर सकते हो कि मैं बाबा साहब के संविधान को नहीं मानूंगा, मैं मनुष्य को जो है मानने का काम करूंगा। हम ऐसे समाज से लोग हैं, हम ऐसे अंबेडकरवादी हैं
कि जो भारत के संविधान के अनुरूप चलने वाले लोग हैं, और बाबा साहब का संविधान जब तक भारत में रहेगा, तुम्हारा मनुस्मृति चाहे तुम्हारा वेद प्रमाण कोई भी जो है ये देश में लागू नहीं हो पाएगा। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, जब बाबा साहब की कम जिंदा रहेगी तब तक जो है बाबा साहब के मानने वाले जिंदा रहेंगे, तब तक जो है देश संविधान चलेगा। और तुम्हारा मनुस्मृति जो है हम हर साल जाए बाबा साहब ने जो जलाने का संदेश देकर चले गए हैं, मनुस्मृति जलाई जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जो है मनुस्मृति जो है मानवता के खिलाफ रही है, मानवता के खिलाफ रही है। हम लोग मानवतावादी जिंदगी जीने का संदेश देते हैं, और आज इस मूर्ति पर हम खेद व्यक्त करते हुए यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं, यहाँ जो है मूर्ति स्थापित करा करके यहाँ के दोषियों के खिलाफ जो है सख्त सख्त कार्रवाई करने का काम करें, और जो है यहाँ शांति व्यवस्था कराने का प्रयत्न करें, और जो हमारे अपने समाज से निवेदन करना चाहेंगे कि हम कोई भी लड़ाई जो है गैर कानूनी तरीके से नहीं, कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और संविधान के अनुसार जो है अपने मसीहा के मूर्ति टूटने पर जो जो उसका जो है निदान है, उसका जो है जो न्याय है, हम संविधान तरीके से न्याय चाहते हैं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।